आ चुके हैं, उनमें से तकरीबन 700 प्लस हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका खुद का बुटीक या सलोन है। मतलब वो 700 लोग काम नहीं कर रहे, हर किसी ने अपने पास अगर दो लोगों को भी जॉब दिया है तो उन्होंने अपने साथ 1500 और लोगों के लिए एम्प्लॉय। थैंक यू, तकरीबन 700 प्लस हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं और दे आर अर्निंग वेरी हैंडसम इनकम, 50,000 60,000 उनकी सैलरी है। होता है किसी भी प्राइवेट संस्थान के लिए कि वो बच्चे वहां पे काम करके इतना इनकम जनरेट करें, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोई सलून या बुटीक तो नहीं। प्लीज गाजर जी स्टेज पे आइए, अभी ये एज ए फ्रीलांसर जॉब कर रही है। एंड नेक्स्ट अवार्डी है सरजीत कौर जी, प्लीज स्टेज पे आइए। जीएनके का नंबर वन इंस्टीट्यूट है और वो सब पॉसिबल है क्योंकि आप लोग हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आए। 2000 से ज्यादा स्टूडेंट हमारे पास स्टोरीज हैं, सक्सेस स्टोरीज, ऐसे बच्चों को हमने पढ़ाया है जो ग्रेजुएशन के बाद उनको पता ही नहीं था आगे क्या करें। पेरेंट्स प्राइवेट बोल रहे, नहीं बेटा प्राइवेट जॉब नहीं करना हमने, आप घर पे बैठो यहाँ पे कुछ सीख लो। तो होता है क्या था, सिलाई सीख ले, पार्लर का काम सीख ले, तो ऑर्गेनाइज करके प्रोफेशनल बना करके 2014 में जब हमने ये शुरू किया तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। उस वक्त हमें पता चला कि कितनी लड़कियां हैं जो सेल्फ स्टैंड होना चाहती हैं, कितनी, क्या हर लड़की, या वो अपने हस्बैंड को बोले या अपने भाई को बोले, हर लड़की चाहती है कि वो मुकाम हासिल करे कि पेरेंट्स से पैसे लेना वो छोड़ के उनको पैसे दे। और मुझे बहुत प्राउड है कि आज हमारे सभी स्टूडेंट्स ने वो मुकाम हासिल, शायद वो आज किसी वजह से आ नहीं पाई हैं, उनका अवार्ड भी आप जो है वो सरजीत को चला रही हैं मोनिका मेकओवर के नाम से कठुआ में। नूर में आज उनका अपना सलोन है सोनिया मेकओवर के नाम से। कि बेटी की बर्थ के बाद उनके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई, 2023 की हमारी स्टूडेंट, इसके बाद अगेन 2019 में हमारे पास एक 19 साल फैकल्टी जॉब भी कर रहा है सनी शो, प्लीज जोरदार तालियां, मैम ने भी आपको देखा होगा। ये हमारे गेस्ट हैं यहाँ पे, और जो हमारा नेक्स्ट अवार्ड है ये भी एक सलो, आज हम बहुत खुश हैं, वी हैव कम फॉर द अवार्ड सेरेमनी ऑफ NISD जो मंजू जी है ना हस्बैंड संजीव जी चला रहे हैं, पिछले 9 साल से बहुत सक्सेसफुली चला रहे हैं। 2000 से ऊपर महिलाओं को इन्होंने बिल्कुल ही पढ़ा के सिखा के अपने पाँव पे खड़े करा दिए, जिन्होंने एक्चुअली टुडे वी हैव गिवन अवार्ड्स टू सच लेडीज़ जो इंडिपेंडेंटली चला रहे हैं अपने बिजनेसेस को। कईयों को मैं भी फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे जम्मू क्षेत्र से ऐसे ऐसे लेडीज़ की स्टोरीज, रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज को सुनने में आ रहे हैं, और मैं इन कपल को बहुत ही मुबारकबाद देना चाहती हूँ और इनक्रेज करना चाहती हूँ, और इनके साथ मैं कोलैबोरेटिव वर्क्स करने जा रही हूँ आगे भी। आज तो अवार्ड सेरेमनी में आई हूँ बट आगे भी इनका काम देख के मैं खुद ही इंस्पायर हो गई हूँ कि ये कितने लोगों को रिवर्ट कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट कोई पढ़ाई कुछ सिखा रहे हैं, वो सिखाई को एक्चुअली कन्वर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर। सो वी आर मेकिंग देम फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी औरतें अपने बुटीक्स चला रहे हैं, अपने पार्लर्स चला रहे हैं, अपने डिज़ाइन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, डिज़ाइन स्टूडियोज चला रहे हैं, और
बेस्ट पार्ट ये मेरे को अच्छा लगा आज कि सिर्फ केवल जम्मू सिटी के नहीं बट पूरे क्षेत्र से इन्होंने एम्पावर करने की कोशिश की है। कठुआ से भी आ रहे हैं, परिब्रह्मा से आ रहे हैं, जानेपुर से आ रहे हैं, सिटी से आ रहे हैं। तो अभी हम इसके इनके हेल्प के साथ हम गांव-गांव में पहुंचेंगे जी, एंड वी वांट टू एम्पावर लॉट ऑफ वेमेन इन द प्रोसेस। थैंक यू सो मच। मैं फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ, मैं कठुआ में टीचिंग कर रही हूँ। NISD का बहुत 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 थैंक्स करना चाहती हूँ कि हमें उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और हमारा लेवल बढ़ गया। बहुत बहुत थैंक्स। और लड़कियों को इतना आगे, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लड़कियों को, और NISD वालों ने ऐसा कर दिया है कि हमें वो चीज़ नॉर्मल लग रही है, ताकि हम आगे आगे बढ़ते जाएं। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी पेरेंट्स से बोलती हूँ, सबसे पहले थैंक्स करती हूँ मैं अपने वाहेगुरु जी का, अपने मम्मी पापा का, NISD का, संजीव सर का, मंजू मैम का, बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। हमें बहुत ही अच्छा उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया। और मैं सभी पेरेंट्स से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी अपनी बेटियों को आप सेल्फ इंडिपेंडेंट करो, ताकि उनको कल कोई प्रॉब्लम आए तो वो उस प्रॉब्लम से लड़ सकें, अच्छे से वो अपना जो लाइफ है वो संभल सके उनका लाइफ। थैंक यू सो मच।